हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक टॉकीज। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि आप बिना कीबोर्ड यूज किए अपने लैपटॉप में किसी भी लैंग्वेज में आसानी से टाइप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको बस जाना है गूगल पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको क्रोम के जितने भी एप्स होते हैं उसको सर्च करना है। क्रोम ऐप आप डाल सकते हैं, और जैसे ही आप क्रोम ऐप डालेंगे ये पहला वाला लिंक खुल कर आता है। पहले वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम वेब स्टोर। इस लिंक पे आपको बहुत सारे ऐप एप्लीकेशंस दिए होते हैं जो आप क्रोम में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सर्च करेंगे हम वॉइस मोड 2, ये एक एप्लीकेशन है क्रोम का ही, वॉइस नोट 2। आप इसे एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, जो ये लिंक है, इस लिंक पे इसी यही ऐप है, ऐप्स में दिखा रहा है वॉइस नोट 2 स्पीच टू टेक्स्ट, इसी पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अभी ऐड टू होम बनकर आएगा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ऐड टू क्रोम कर रखा है, फिर यहाँ पर भी वही चीज लिख कर आएगी कि ऐड टू क्रोम। तो जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे, यहाँ पर वो यहीं पर लिख कर आएगा। वैसे ये एप्लीकेशन आपके गूगल क्रोम पर ऐड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं ऐड होने के बाद कैसे दिखता है ये। इसको हम क्लोज करेंगे, कोई भी एक नया टैब खोलिए। इसमें ऐप पर आना, ये ऐप्स लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे दिया होता है। ऐप्स में आप आएंगे तो जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं क्रोम के, वो सारे यहाँ पर दिखाएगा। तो जैसे मैंने ऐप्स पे क्लिक किया है, अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये लेफ्ट साइड में जो अर्थ का सिंगल सिंबल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आपको टाइप करना है। सपोज आई हैव सेलेक्टेड इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऊपर है ये, आई हैव सेलेक्टेड इंग्लिश इंडिया। नाउ हियर इज अ माइक, यू ऑल कैन सी इट। इस माइक पे क्लिक करना है आपको, और एज सून एज यू क्लिक ऑन द माइक, जैसे ही उसके बाद आप कुछ बोलना स्टार्ट करते हुए, जैसे ही सारी चीज़ें मैंने बोल के रिकॉर्ड कर रखी हैं, तो जैसे ही आप बोलोगे वो सारी चीज़ें लिखता रहेगा। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, सपोज कोई और लैंग्वेज, मैं हिंदी ले लेता हूँ। हिंदी पे क्लिक करने के बाद फिर जैसे ही मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा, दोस्तों ये याद रखिएगा, जैसे ही आप लैंग्वेज दूसरी चेंज करते हैं तो आपको माइक को दोबारा क्लिक करके दोबारा आपको उस पर क्लिक करना है, तभी ये लैंग्वेज चेंज करेगा। अभी देखिए मैंने बोल रखा है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, कैसा कर रहे हैं आप लोग आजकल, इसने लिखे वैसे ही टाइप कर दिया। अब इस इन सारी ये जो भी टेक्स्ट इसने टाइप किया अपने नोटपैड पे, इसको आप यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल, और या जैसे मैंने अभी कॉपी किया वैसे कॉपी करके आप कहीं भी इसे यूज भी कर सकते हैं। अब ये नोटपैड की जो फाइल है इसको आप ओपन करेंगे, ये नोटपैड पे खुलेगी। सपोज ये नोटपैड फाइल है, मैंने ओपन किया इसको यहाँ से, ये देखिए नोटपैड पर खुलेगी। तो देखना है कि आपने हिंदी और इंग्लिश में जो भी कुछ बोला था वो वैसा का वैसा आया, वर्ड रैप किया मैंने। इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ, टाइम ले रहा है। चलिए यहाँ से मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा हमारा टेक्स्ट निकल कर आया है। तो ये देखिए मैंने बोला था हेलो एवरीवन, और हिंदी भी वैसे की वैसे लिख कर आई जैसा हम लोगों ने बोला था। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट से आप कनेक्टेड होने चाहिए तभी ये एप्लीकेशन काम करेगा। जैसे मैंने कॉपी किया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में हम इसे कर, जैसे एमएस वर्ड में अगर मान लीजिए हमें इसे पेस्ट करना है, एमएस वर्ड आप इस पर मुझे पेस्ट करना है, मैंने राइट क्लिक करके मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो जो भी टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वहाँ के वॉइस नोट ऐप के टेक्स्ट को वहाँ के नोटपैड से, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ गई हैं और ये वैसे ही देखेंगे क्लियर आपको। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। आपको अब कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको कीबोर्ड छूने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।